पहला स्टेप करूंगा, अगर आप लोगों ने किया था तो रिपीट कर लेंगे। मैं अगर करने लगा हूँ और दोबारा पावर क्यूरी में जाता हूँ, मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ। जी जी बहुत शुक्रिया आपका, अपना डैशबोर्ड ठीक करें, बाकी आपको सब आता है। ए पिज़्ज़ा टाइप वाले में ना प्रमोट कर लीजिएगा उसकी हाँ वो करूंगा मैं, वो एडिंग। मैंने अभी खुद ही नहीं किया बताने के लिए, ये मैं एनालिसिस करता हूँ ना, एनालिसिस में मैंने क्या करना है। अब आपने डेटा सबने देखा है जिसने बनाया होगा, ऑर्डर आईडी में देखे हेडिंग सेम है, हेडिंग पूरी आ रही है, ऑर्डर्स के अंदर भी आ रही है, पिज्जा टाइप के अंदर हेडिंग नहीं आ रही, वो हेडिंग सेकंड रो में मौजूद है, पिज्जाज के अंदर भी आ रही है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के टेस्ट एंड ट्रायल के लिए उन्होंने रखी हुई है, तो हमें इसका मतलब ये है कि पहले इस स्टेप को करना पड़ेगा ताकि इसकी भी हेडिंग्स बन जाए। तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने पहले किया यूज, यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज हेडर एज फर्स्ट रो, आपकी मर्जी है कि वो नीचे लेके जाए ऊपर लेके, अभी तो हमने उसको ऊपर लेके जाना है, उसको हम कहते हैं हमें हेडिंग बना दो। तो ये हमारा सारे ऊपर आ गया, हेडिंग्स सब चारों टेबल में हेडिंग्स मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरी ये जो मैंने ऑर्डर डिटेल की कॉपी बनाई है, रिकॉर्डिंग हो रही है? पता चले रिकॉर्डिंग ही कोई नहीं, बात लग दे फिर। जी जी सर हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है, लेफ्ट पे ऊपर लिखा आ रहा है रिकॉर्डिंग और रेड कलर का बटन। चलो ठीक है, मैंने कहा चेक कर लूँ, पता लगे लेक्चर खत्म हो गया और पता ही नहीं लगा बढ़िया की। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ